हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट किचन हिंदी में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी और आलू से नाश्ता की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी बन के तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पैन लिया है और एक चम्मच हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और एक चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा को अच्छे से क्रैकल होने देंगे और एक चम्मच हम इसमें सरसों के दाने लिए हैं और सरसों को भी अच्छे से क्रैकल होने देंगे। अब हम इसमें ढाई कटोरी पानी ऐड करेंगे। पहले हमने दो कटोरी इसमें पानी ऐड किया है, फिर बाद में हमने आधी कटोरी पानी इसमें ऐड किया है। अब हम पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे और इसमें एक चम्मच हम नमक ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, और आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर लिया है तो अमचूर पाउडर को हम ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे आधा चम्मच अमचूर पाउडर की जगह पे चाट मसाला भी इसमें यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अब हमने मिक्स कर लिया है। दो चम्मच हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो फ्रेंड्स, चिली फ्लेक्स से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। एक कटोरी हमने बारीक वाली सूजी ली है। आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप मिक्सी में ग्राइंड करके ले सकते हो। अब हम सूजी को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा पानी कम लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। और 7 से 8 मिनट के लिए हमें पका लेना है सूजी को। मिक्सर जब कढ़ाई छोड़ने लगे तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे। तो हमारा मिक्सर अब रेडी हो गया है। अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। बॉईल किया हुआ एक आलू लिया है। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। जो छोटा वाला ग्रेटर होता है वही हमने लिया है। अब हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे। तो हमने आलू को कद्दूकस कर लिया है। अब हम यहाँ पे डो बना लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सूजी का मिक्सचर और आलू को। तो इस तरह का हमने डो बना लिया है। अब हम थोड़ा सा पोर्शन इसका लेंगे, मिक्सर की हम लोई बना लेंगे और इसका रोल बनाएंगे। तो इस तरह से हमें रोल बना लेना है। तो अब हम नाइफ से इसे कट कर लेंगे। तो हमने सभी को बना कर रख लेना है पहले, और थोड़ा सा हाथों से इसे उंगलियों से हम शेप दे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी बना कर रख लिए हैं और ऑयल को हमने गरम करने के लिए रख दिया है। और हाई फ्लेम पे हमें ऑयल को गरम कर लेना है। 1 by 1 करके हम सभी स्नैक्स इसमें ऐड कर देंगे। जब इसके बबल्स थोड़े कम हो जाएंगे तब हम इसे स्टीर करेंगे, नहीं तो ये टूटने लगेंगे। तो अब हमें गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। तो हमारा स्नैक्स यहाँ पे फ्राई हो गया है। अब हम इसे निकालेंगे। तो दिखने में जितने टेम्पटिंग लग रहे हैं उतने ही खाने में टेस्टी हैं और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और गर्मा गर्म तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं केचप के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।